श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तेरवा अध्याय बारवां श्लोक, इसका हम भाष्य देख रहे थे। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। पहला क्षेत्र क्या है, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ज्ञानम अमानित्वादि लक्षणम साधनक गणम। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय का मतलब क्या है, और प्रकृति और पुरुष का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न है। ये तीन जोड़ी है, इनमें से भगवान श्री कृष्ण पहला क्षेत्र का विषय, क्षेत्र माने क्या है, क्षेत्र में क्या क्या है, तो क्षेत्र के बारे में समझाने के बाद क्षेत्रज्ञ, इसका अभी कभी भी भगवान इस अध्याय में बताते नहीं, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ के रूप में। तो फिर ज्ञेय और पुरुष का जो जिस तत्व को ज्ञेय, ये पद ज्ञेय और पुरुष शब्द संकेत करते हैं वही क्षेत्रज्ञ है। तो पुरुष शब्द और ज्ञेय शब्द जिस तत्व को संकेत करते हैं वही क्षेत्रज्ञ है। तो खास करके क्षेत्रज्ञ ये ही है, ऐसा इसका विश्लेषण या अर्थ भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताया नहीं। तो क्षेत्रज्ञ क्या है वो छोड़ देते हैं, माने ज्ञेय और पुरुष ही क्षेत्रज्ञ है। तो इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान माने साधन गणम अमानित्वम अदम्बित्वम ये सारे समझाने के बाद भगवान श्री कृष्ण फिर बाद में ज्ञेय, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अभी अर्जुन मैं तुमको ज्ञेय, ज्ञेय के बारे में प्रवक्ष्यामि, मैं अभी समझाऊंगा बताऊंगा। इसका फल क्या है, अमृतम अमृतत्वम अश्नुते, इस ज्ञान इस ज्ञेय को प्राप्त करने के बाद अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। अच्छा, अभी ज्ञेय किसको कहते हैं, भगवान समझाते हैं अनादिमत, इसका अर्थ भी हमने व्याख्या देखा है, जिसकी आदि नहीं है वो अनादिमत है। तो भाष्य का
इसका अनेक प्रकार के प्रश्न पूर्व पक्ष उठाते, सबको भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में जवाब दे दिया। तो अनादिमत परम ब्रह्म न सत तत् न असद उच्चते, न सत तन न असद उच्चते। उस तत्व को, ज्ञेय को है के रूप में इसका प्रतिपादन नहीं कर सकते, नहीं है इस शब्द के द्वारा उस तत्व का प्रतिपादन कर नहीं सकते। ठीक है, ठीक। नाइदर इट कैन बी सेड एज एग्जिस्टेंस, इट एग्जिस्ट, नॉर इट कैन बी सेड डजेंट एग्जिस्ट। अस्ति नास्ति के रूप में उस तत्व का निर्धारण करना नहीं होता। क्यों? बुद्धि विषयत्वात्। इस विषय में पूर्व पक्षी कुछ प्रश्न उठाते हैं, इन सभी प्रश्नों को भगवान शंकराचार्य जी उत्तर भी दे देते हैं। ठीक है, इसी संबंध में भगवान और आगे ले जाते हैं, क्या है, कहाँ से हमको पढ़ना है। उपपत्तेश्च सद असदादि शब्दैः, 324 पेज, वहां से हम प्रारंभ करना है आज का विषय। थोड़ा कम करो बस। हरिओम, हरिओम। हाँ ठीक है, मिल गया आपको। उपपत्तेः च सद असदादि शब्दैः ब्रह्म न उच्यते इति। सर्वो हि शब्दः अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्तः श्रूयमाणः च श्रोतृभिः जाति क्रिया गुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहण सव्यपेक्षः अर्थं प्रत्यायति न अन्यथा अदृष्टत्वात्। अब देखिए, भगवान युक्ति से भी अभी क्या प्रतिपादन करने जा रहे हैं, विषय क्या है। अभी ज्ञेय जो भी है वो अस्ति की के रूप में भी हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते, अस्ति ऐसा शब्द के द्वारा संकेत नहीं कर सकते, नास्ति इति नहीं है ये भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ, इस पर अभी हमारी चर्चा हो रही है। तो उपपत्तेश्च, उपपत्तेश्च माने उपपत्ति माने युक्ति, युक्ति से द्वारा भी, युक्ति के द्वारा भी उस ज्ञेय तत्व को अस्ति नास्ति के रूप में ज्ञेय तत्व का प्रतिपादन हम नहीं कर सकते। इस विषय को अभी आगे ले जा रहे हैं, युक्ति के द्वारा, युक्ति से भी, क्योंकि इससे अभी तक भगवान श्री कृष्ण शंकराचार्य भाष्य में बताते हैं अस्ति नास्ति ये दो शब्द है ये बुद्धि विषय है, बुद्धि का विषय है या नहीं, ये क्या है, किसका विषय है, बुद्धि विषयम। ठीक, मगर तत्व जो है बुद्धि से परे है, इसीलिए जो तत्व बुद्धि से परे है उसको अस्ति के रूप में या नास्ति के रूप में भी इसका निर्धारण या कह नहीं सकते, बताना नहीं होगा इन शब्दों के द्वारा। तो इसी बात को युक्ति से भी एक साबित करते हैं अभी, कि युक्ति से भी उस तत्व को अस्ति के रूप में या नास्ति के रूप में हम इसका प्रतिपादन नहीं कर सकते। अस्ति ये है ऐसा भी नहीं कह सकते, नहीं है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भगवान है क्या, सामान्य पामर भाषा बोलते हैं, पामर लोग की भाषा, भगवान है क्या, है तो दिखाओ, नहीं है तो फिर कैसे देख सक दिखा सकते हो। माने ऐसे जो फक्कड़ जैसे बात होती है रोड पर, सड़क पर, ये ऐसे नहीं होती। तो उपपत्तेश्च, उपपत्तेः च सद असदादि शब्दैः ब्रह्म न उच्यते। उपपत्ति के द्वारा माने युक्ति के द्वारा भी ब्रह्म को सद शब्द से अस्ति के रूप में, असद शब्द से भी, इन शब्दों के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन, ब्रह्म को बारे में, ब्रह्म के बारे में बताना, ब्रह्म को दिखलाना नहीं होता। अस्ति के रूप में भी ये ब्रह्म सद असदादि शब्दैः न उच्यते। ब्रह्म सत क्या, अच्छा कह नहीं सकते,
असत है क्या, ये भी कह नहीं सकते, सत रूप में भी असत रूप में भी। अब देखिए भगवान अभी समझा रहे हैं, सर्वो ही शब्द अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्त। अब देखिए कोई भी आप एक वस्तु है, उस वस्तु को यदि आप इसका परिचय करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शब्द के द्वारा उस अर्थ, जिस विषय के विषय को समझाना चाहते हैं आप, उस विषय को, विषय के बारे में, उस वस्तु के बारे में समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ शब्दों आप प्रयोग करते हैं। तो शब्दों के द्वारा उस वस्तु का रूप का आविष्करण होता है, ठीक है। शब्द के बिना वस्तु का हम परिचय नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए, अभी हमारा कोई प्रेजेंडा नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सर्वो ही शब्द अर्थ प्रकाशनाय, अर्थ प्रकाश अर्थ माने विषय, विषय प्रकाशनाय, विषय वस्तु प्रकाशनाय प्रयुक्त श्रूयमान श्रोत्र भी। सो सुनने वाला जो भी है, सो जानने वाला जो भी है, श्रोता जो है, जो श्रोताओं के द्वारा, तो क्या है, श्रोत्र भी श्रूयमान, सुने जा रहे जो, सुने जाने वाले जो शब्द है, उन शब्दों के द्वारा वह व्यक्ति, आप उसको, उस व्यक्ति को कुछ विषय के बारे में, वस्तु के बारे में शब्द प्रयोग कर सकते हैं। उन शब्दों के द्वारा ही सुनने वाला कुछ उसको मन में भी इस शब्द के बारे में उसका अर्थ जो है, उसका अर्थ का प्रकाशन हो जाता है, किसमें, उसके समझ में आ जाता है। कोई प्रकाश के आप डालना चाहते हो, ये वस्तु का परिचय कर लो, तो आप शब्द प्रयोग करेंगे, शब्द प्रयोग करेंगे। अच्छा, अभी शब्द की सीमा क्या है, तो शब्द की भी सीमा होती है। तो चार चीजें जो हैं, इन चार चीजों को आप शब्द को प्रयोग करके, शब्द के द्वारा इन चार चीजों को आप बता सकते हैं, या नहीं तो जो वस्तु इन चार, हर वस्तु इन चार चीजों से, और ये कोई वस्तु का आप परिचय करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, इसका अर्थ आप बताना चाहते हैं, तो आप चार शब्दों के द्वारा, आप इस चार शब्दों के द्वारा उस वस्तु का परिचय अन्य लोगों को आप दे सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं, माने ये चार शब्दों से कोई भी वस्तु परे है तो आप उस वस्तु का आप परिचय नहीं दे सकते शब्दों के द्वारा। तो शब्द की सीमा एक है, तो भगवान अभी समझा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म वस्तु शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, तो शब्द के द्वारा आप इस वस्तु का प्रतिपादन नहीं कर सकते। और अस्ति नास्ति, ये दो शब्द हो गया, है या नहीं है, तो वस्तु का प्रतिपादन जाति क्रिया गुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहण सव्यपेक्षा। देखिए वस्तु, आप कोई वस्तु के बारे में आप बताना चाहते हैं तो ये चार चीजों के द्वारा आप उस वस्तु का परिचय कर सकते हैं, मतलब जिसकी जाति हो, देखिए जाति ही, क्रिया, उस वस्तु का क्रिया क्या है, और गुण, वस्तु का गुण क्या है, और संबंध। अब ऐसा जो वस्तु है जिसकी न जाति है, न क्रिया है, न गुण है, न संबंध है, ऐसा जो वस्तु जो है इन चारों की सीमा से बाहर, जहां पे चार उस वस्तु का ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी, इसकी जाति नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, संबंध नहीं है, तो फिर कैसे तो संकेत ये हो गया, इन संकेतों के द्वारा आप वस्तु को परिचय कर सकते हैं। कौन सा है संकेत, जाति एक संकेत है, गुण एक संकेत है, क्रिया एक संकेत है, संबंध एक संकेत है वस्तु का। तो वस्तु, एक कोई वस्तु आप बताना चाहते हैं, उस वस्तु को समझाने का जो तरीका जो है, यही है चार शब्द। न तो आप वस्तु का परिचय कैसे कराएं, जाति बताएं, या गुण बताओ, या संबंध बताओ, या क्रिया बताओ, तो वस्तु का परिचय हो जाता है। देखिए
अच्छी बात, देखिए आदमी आपके सामने खड़ा है तो भी आप पूछते हैं कि इनका परिचय तो बाबा जी जरा करा दे हमको, महात्मा, महात्मा माने वो भैया मुझे इन इन इस व्यक्ति मेरे सामने जो खड़ा है इनका परिचय तो कर दो। आदमी सामने खड़ा है और क्या परिचय चाहिए आपको, सामने खड़ा है तो भी आप जानते नहीं, आकृति सामने खड़ी है तो भी आप तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि नहीं भैया इनका परिचय तो कर दो, आप ही के साथ आए हैं, आप ही लाए हो इनको सभागृह में, तो इनका परिचय आप दे दीजिएगा। तो ये कहते हैं जाति गुण क्रिया और अच्छे आदमी है, सद्गुण है, खूब दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं और लोगों के प्यार करते हैं, कुछ और कुछ सेवा भी करते हैं, अनाथ बच्चों के लिए सेवा करते हैं, ये इनके गुण हैं। जातितः ये अच्छा, ये एक भारतीय ही है हमारा, हमारे देश के ही है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है या क्षत्रिय है या नहीं, तो ये जो भी जाति है। और क्रिया ये करते हैं काम, ये काम करते हैं। और संबंध क्या है, ये तो मेरे संबंधी है, मेरे साथ ही इनका संबंध है, न तो और किसी वस्तु के साथ संबंध है या किसी एक और दूसरे जो विशिष्ट व्यक्ति के साथ इनका संबंध है। आप उनको देखा, उनके बारे में आप जानते हो, वो उन्हीं को ये साला लगता है या भाई लगता है। माने इन चारों शब्दों के द्वारा जो सामने खड़ा है, जो व्यक्ति, उस व्यक्ति का परिचय हुआ कि नहीं हुआ है। तो ये चार पद संकेत बन गया, संकेत। और ब्रह्म क्या है, इन चार शब्दों से ब्रह्म का संकेत करना असंभव, क्यों, ये ब्रह्म इन चारों से परे है, शब्द की सीमा यही है, दैट इज ऑल ट्रांसेंडेंटल ब्रह्मन विच इज बियॉन्ड नेम फॉर्म क्वालिटीज, सो हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस दैट। तो देयरफॉर बुद्धि का जो विषय जो भी है ये चारों है, बुद्धि का विषय या मन का विषय या इंद्रिय विषय, रूप और रंग इंद्रिय का विषय है, गुण मन का विषय है। देखिए तो जाति क्रिया गुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहण संव्यपेक्षा अर्थम प्रत्यायति, अर्थ कराने का जो तरीका क्या है यही है, न अन्यथा अदृष्टत्वात्। और नहीं तो जो जिस वस्तु का नाम नहीं है, गुण नहीं है, रूप नहीं है, देखिए क्रिया नहीं है, संबंध नहीं है, उस वस्तु का परिचय आप कैसे करावे। अच्छा, तो ब्रह्म शब्द, ब्रह्म क्या है, तो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, है के शब्द में भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रत्यगात्मा है। देखिए तो तद यथा, अभी उदाहरण दे रहे हैं, यथा गौः अश्वः इति वा जातितः, उदाहरण ये गौ है, गाय है, ये घोड़ा है, ये गौ गाय ये घोड़ा माने जाति हो गए, ये मनुष्य है जाति हो गए। यानी तो पचति पटति इति वा क्रियातः, देखो पकाना या पढ़ना या पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं, ये क्रिया है, ये तो क्रिया के द्वारा। यानी तो शुक्ल कृष्ण इति वा गुणतः, ये शुक्ल वर्ण के है या कृष्ण वर्ण के है, या मन में इसका रूप, मन का रूप शुक्ल है, मन शुद्ध है, मन का रूप कृष्ण है, मन ये काला है, मन में काला माने आदमी सही नहीं है। और क्या है, धनी गोमान, बहुत सारे गाय वाला है, गायों वाला है माने इनके पास बहुत गाय है, तो संबंध हो गया गायों के संबंध के साथ के कारण, गायों के संबंध के कारण एक गोमान बन गया, धन के संबंध के कारण धनवान बन गया, कीर्ति के संबंध के कारण कीर्तिमान बन गया, बेवकूफी के साथ संबंध के कारण बेवकूफ बन गया,
तो संबंध के कारण। अब देखिए, धनी गोमान इतिवा संबंधतः न तो ब्रह्म जातिमत अतः न सद आदि शब्दवाच्यम न अपि गुणवत् येन गुणशब्देन उच्येत निर्गुणत्वात् न अपि क्रियाशब्दवाच्यम निष्क्रियत्वात् न तो ब्रह्म जातिमत अतः, क्योंकि ब्रह्म की कोई जाति नहीं है, अतः न सद आदि शब्दवाच्यम, तो जाति जिसकी जाति नहीं है तो इसीलिए ब्रह्म को सद के रूप में, सद शब्द माने अस्थि के रूप में, है के रूप में या नहीं है के रूप में, इस तरह के जो भाषा हम का प्रयोग हम करते हैं, इस तरह के जो भाषा का प्रयोग हम ब्रह्म के संबंध में कर नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म इन सबसे परे है। देखिए, अच्छा, न अपि गुणवत्, ब्रह्म कोई गुण के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो न उनका क्या कृष्ण गुण कुछ भी नहीं है, कोई गुण नहीं है, शुक्ला कृष्ण ऐसा कोई गुण नहीं है। ये न गुण शब्द है न उच्चेता, क्योंकि वो तो निर्गुणत्वात, वो तो निर्गुण है। न अपि क्रिया शब्दवाच्यम, ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं होती, निष्क्रियत्वात तो वो निष्क्रिय है, तो जो निष्क्रिय है निर्गुण है जिसकी कोई जाति नहीं है और निष्कलम निष्क्रियम शांतम इति श्रुते है, श्वेतासुर उपनिषद में ब्रह्म के संबंध में यह श्लोक मंत्र आता है। वो ब्रह्म क्या है? निष्कलम, कोई कला में निष्कल भाग नहीं है, पार्ट्स नहीं है, निष्कलम निष्क्रियम कोई क्रिया नहीं है, शांतम एकदम शांत, वो है ब्रह्म। इति श्रुते है, ये श्रुति माता कहती है। और चौथा हमने छोड़ दिया, क्या है? संबंध, ब्रह्म का कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि नच संबंधी एकत्वात्, वो आई एक ही है, किसके साथ संबंध कर सकते हैं? एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म, जो एक ही है, वो एक तत्व का संबंध एक ही है, तो किसके साथ संबंध है? जहां पे द्वैत है, दो है, वहां पे कोई संबंध के बारे में कोई बात भी कर सकते हैं, चल सकती है संबंध, यहां पे कोई एक ही है। एकत्वात अद्वयत्वात, कोई द्वैत नहीं है, अविषयत्वात आत्मत्वात, उसका कोई विषय नहीं है, अविषयत्वात संबंध नहीं है, तो इंद्रियों के विषय नहीं है, अविषयत्वात इंद्रियों का विषय हो तभी कुछ हो सकता है संबंध, तो संबंध नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, वो एक ही है, अद्वय है। और वास्तव में कौन है? प्रत्यग आत्म स्वरूप आत्मत्वात, अपने ही आत्मा है आत्मत्वात, वो पर नहीं है ना, ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है। यदि मैं ब्रह्म मुझसे अलग है तो ब्रह्म से मैं अलग हो गया हूं, तो वहां पे द्वैत आ गया, तो वहां पे संबंध है, हम संबंध की स्थापना के बारे में हम बात कर सकते हैं। ओ ब्रह्म तो मुझसे अलग है, मैं एक जीव हूं तुमसे अलग हूं, तो हमारे बीच में जो संबंध, संबंध की बात आ जाती है। तो अद्वैत तत्व बहुत गंभीर, तो है ही कुछ है ही नहीं ब्रह्म के अलावा, तो इसलिए संबंध भी वहां नहीं है। तो नच केनचित शब्देन उच्यते इति युक्तम, इसलिए ब्रह्म को किसी भी शब्द से हम पुकार नहीं सकते, माने ब्रह्म को किसी भी शब्द से बोल नहीं सकते ब्रह्म के बारे में, क्यों? ब्रह्म इन सब से परे है। इन चारों में जो जिसकी गुण है, जाति क्रिया संबंध है किसी वस्तु का, उस वस्तु को प्रतिपादन करने के लिए, समझाने के लिए, वस्तु के बारे में बताने के लिए आप तरह तरह के शब्द प्रयोग करके, शब्दों के द्वारा और कोई व्यक्ति को उस वस्तु के साथ आप परिचय कर सकते हैं, वस्तु का परिचय आप दे सकते हैं, मगर ब्रह्म में ये सब
नहीं है, इसीलिए युक्तितः युक्ति से भी ब्रह्म को सत के रूप में असत के रूप में पुकार नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इन शब्दों का प्रयोग हम कर नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हमारा जो मन में एक स्वभाव बन गया, माने ब्रह्म को ढूंढो, आध्यात्मिक मार्ग पर चलो, माने तुरंत हमारा मन और इंद्रिय बहिर्मुख हो जाता है। बहिर्मुख इसलिए होता है कि कोई रूप में कोई पूजा करे, पाठ करो, भगवान की मूर्ति सामने लगाओ और उन पर ध्यान करो, ईश्वर मुझसे अलग है, मैं ईश्वर से अलग हूँ, मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भक्त हूँ, वो भगवान है, इस सारे ये सारे सारे चीज मन में आ जाती है। और एक एक जो जिस विचार से आप साधना शुरू करते हैं वो विचार ही आपके लिए बड़ा बाधक है, क्योंकि कोई भी विचार आप ले लो वही बाधक बन गया। क्योंकि कोई विचार के साथ आप शुरू करते हैं, इसलिए ज्ञाने नैव तो कैवल्यम, क्योंकि आप अपना ही स्वरूप को जानना है, प्रत्यगात्मा, वहां पे कोई संबंध नहीं है। इसीलिए धीरे 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 समझ में आ जाता है कि वास्तव में मुझसे अन्य ईश्वर है ही नहीं। तो फिर ये बात शास्त्र के द्वारा गुरुमुखतः सुनकर, शास्त्र का विषय गुरुमुखतः सुनकर थोड़ा कुछ मनन करके ये मन में बैठ जाता है, तब आप साधना के रूप में भी मन बहिर्गत नहीं होता। प्राय हमारा मन साधना का शब्द सुनते ही कोई बहिर्मुख हो गया, तो इसलिए अपने आप में स्थिर होना कि ब्रह्म निष्क्रियम। अच्छा, यह है, तो इसलिए सत शब्द रूपेण असत शब्द रूपेण है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, नहीं है ये भी कहने सकती है। यदि ब्रह्म नहीं है तो दिखाओ, नहीं दिखा सकते हैं, तो है नहीं ऐसा भी कहने सकते हैं, क्यों वो इंद्रिय गोचर नहीं है, बुद्धि विषय नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊं आपको कि आप, अब कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं बोलना भी बड़ा कठिन इसीलिए है कि कोई व्यक्ति गलत समझे तो फिर उसका अभिवृद्धि के बजाय तिरोगमन होता है, तिरोगमन। जैसा कि किसी से कहा कि एक महात्मा जी, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो स्वयं सूर्य स्वरूप हूं, तेजोवान, मुझ में कोई अंधकार ही नहीं है, तो आत्मरूपी जो सूर्य भगवान मुझ में जो भास रहा है लगातार, उसमें कोई कभी लोप नहीं होता उस भास में, इसलिए मेरे लिए अंधकार नहीं है। ऐसे वाला जो मुझको, तो संध्या वंदन क्यों करना है, जो मेरे लिए संध्या ही नहीं है। बल्कि महायोगी थे, उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई संध्या ही नहीं है। भाई जिसके लिए संध्या है वो संध्या वंदन करे, आत्मरूपी सूर्य भगवान भास रहा है मुझ में लगातार, प्रकाशमान है, उनमें कोई संध्या नहीं है, तो संध्या वंदन मैं किस लिए करूं, आत्मरूपी सूर्य जो बैठा है अंदर,
जिसका न उदय होता है न अस्तमय होता है। तो जिसका न उदय है न अस्तमय है, संध्या कहां से? और संध्या ही नहीं है तो मैं संध्या वंदन क्यों करूं? त्याग दिया, सही है। मगर कोई आलसी व्यक्ति सुन लिया इसको, जैसे आप में कोई हो सकता है, पता नहीं मुझे, बोले अच्छी बात है स्वामी जी, इतने साल के बाद ऐसी बात क्यों कही आप, पहले बोलना था, सोते सोते आराम से। इस तरह यदि बताया जाए कि साधना करके कोई चीज है ही नहीं, सपोज, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी न गुरु न शिष्य न स्वर्गम न नरकम न लोकम अजातवाद, भाई ब्रह्म से कुछ किस कभी भी किसी का उत्पादन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ब्रह्म में, ब्रह्म ब्रह्म ही है, फिर जगत है ही कहां, फिर जीव वो कौन है? तो जगत में ब्रह्म है न, जगत है न जीव है, फिर बंधन कहां है? किसने कहा बंधन है? फिर मुक्ति वो क्या होती है? देखो ये प्रश्न, सारे प्रश्न आ गए। अब ये मूर्ख सुन लिया समझो, बात गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं, बोलना भी थोड़ा नुकसान करता है सुनने वालों को। ठीक है, यहां तक तो एक श्लोक का, इस श्लोक का भाष्य पूरा हुआ। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। ठीक है, और उस ज्ञेय का अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन् न असदुच्यते। ठीक है, अब देखिए, अब अगला श्लोक में अभी तक भगवान ने कृष्ण समझा दिया कि उसको सत्य के रूप में असत के रूप में बोल नहीं सकते, क्योंकि शब्द से परे है, निष्कलम निष्क्रियम निर्गुणम। और अगला श्लोक देखियो, वो कहते हैं हर जगह पैर वाला है, हर जगह पाद हाथ वाले हैं। तो गुरुदेव कहते थे कि अर्जुन, गुरुदेव अपने भाषण में कहते, लेक्चर में अर्जुन कहता है, इट सीम्स, वो कृष्ण की ओर देखकर, भैया झूठ बोलना चाहते हो, दो झूठ के बीच में कम से कम मुंह तो धो लो। मुंह भी धोते नहीं हो, लगातार झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हो। अभी अभी तुमने कहा कि न सत तन न असत उच्चते इति, और अभी कहते हो सर्वथा पाणिपादं तत्, हर जगह पैर वाला हूं, हर जगह हाथ वाला हूं, उपाधि वाला बन गया। ये क्या है? ये तो ये बड़ा कठिन है समझना। देखिए भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य, ठीक है, संबंध में कहते हैं, इस श्लोक के संबंध भाष्य में, मैंने आगे आने वाले जो श्लोक के संबंध भाष्य, माने सत शब्द, भगवान कहते हैं सत शब्द प्रत्यय अविषयत्वात् असत्वत्व असत्व आशंकायां ज्ञेयस्य सर्व प्राणिकरण उपाधिद्वारेण तदस्तित्वं प्रतिपादयन् तद आशंका निवृत्त्यर्थम आह। अब देखिए, सत शब्द प्रत्यय अविषयत्वात्, ब्रह्म सत शब्द का विषय नहीं है। ठीक है, अब तो अभी तक वही बताया मैंने, ऐसा मत देखो कि नए नए बात सुना रहे फिर दोबारा। सत शब्द का विषय ब्रह्म नहीं है, तो समझ में आ गया ना? हाँ, माने है के रूप में ब्रह्म को संबोधन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, सत शब्द प्रत्यय अविषयत्वात् अविषयत्वात्। फिर डाउट आ जाता है असत्व आशंकायाम, क्योंकि शून्यवाद का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि वो सत शब्द के द्वारा अविषय के कारण तो वो शून्य ही है। ये बौद्ध लोग है ना, शून्यवादी लोग,
क्योंकि सारा कुछ सब कुछ खाली हो गया। जो कुछ है वो सब हटा दिया, बाद में हटाने के लिए कोई नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। तो फिर उसको हाई के रूप में, सत शब्द के रूप में, सब शब्द विषय नहीं होने के कारण तो वो तो शून्य हो गया, तो असत्व हो गया। असत्व माने जिसका अस्तित्व तो बिल्कुल नहीं है, ये आ जाती है बात। तो ये शंका का निवारण करना जरूरी है। जैसे कि हमारा भी प्रायः सब जगह हर आदमी ऐसे ही कहता है कि यदि आप कोई कुछ समावेश के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया, आप भी एक सदस्य है, तो उस समावेश में आपका शामिल होना जरूरी है, तो आप भी चला गया। आप जरा वो वॉचमैन बाहर खड़ा है तो आपको हरिओम कहा तो आप अंदर चले गए मीटिंग समावेश के लिए। अंदर जाते ही वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दी, हॉल खाली है, माने अभी तक कोई आया नहीं अंदर मीटिंग के लिए। बुलाया सबको, कोई अभी तक नहीं आया, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, अरे यहाँ पे कोई है ही नहीं। अब यहाँ पे कोई है ही नहीं, ये गलत है, क्योंकि आप है। ये मजेदार है बात और भी है, यदि एक व्यक्ति भी हो आपके अलावा तो भी आप कहेंगे कोई है ही नहीं, आए नहीं क्या कोई, उससे पूछते हैं। दूसरा व्यक्ति बोलते हैं मैं हूं और आप भी आ गए, दो लोग तो ही इधर, माने जब कोई भी नहीं है, मैं अकेला चला गया हूं हॉल के अंदर, सभागृह के अंदर, तब मैं कोई नहीं दिखाई दिया, तो मैं एकदम चिल्लाऊंगा अरे कोई है ही नहीं इधर, क्यों कोई नहीं। आप व्यक्ति लोगों को बुलाया, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपका विषय नहीं बना, कोई व्यक्ति आपका विषय नहीं बना, तो आपने क्या बता दिया, क्या बोला मुझसे, कोई नहीं है माने कुछ भी नहीं है, तो आप तो है ना। इसी तरह सब उपाधियों को हटाने के बाद लगता है कि ये शून्य है। भैया शून्य को प्रतिपादन करने वाला तो मौजूद है, कहा जाता है कि कहीं महात्मा लोग वहां तक पहुंच के डर जाते हैं उस अनुभव में, क्योंकि उसको भी पार करना है, क्योंकि वहां पे मैपन का अनुभव है, वो मैपन का अनुभव भी हटाना है। कुछ कोई नहीं है उस अनुभव में, कोई कोई विषय नहीं है, कोई प्रकृति, कोई संबंध, कोई वस्तु, कुछ भी नहीं है, आप ही है केवल, और आप ही है और कुछ नहीं है। और डर लगता है आपको कि मैं अकेला हूं, जब मैं अकेला हूं ये मैपन का भी खत्म करना है, एकदम और भी डर गया। वो डर पार करने के बाद ही अद्वैत का अनुभव होता है, वहां केवल अनुभव ही है, अनुभवी नहीं होता। वहां तक जाने के बाद भी देख, विवेकानंद जी के सिर पर भगवान रामकृष्ण परमहंस पहले हाथ लगाया सिर पर, मस्तिष्क में हाथ लगाने के बाद तुरंत उनको ऐसा अनुभव हुआ, सारे नक्षत्र मंडल, भूमि, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि सभी मंडल, सब कुछ अंतर्धान हो गया, शून्य होते जा रहा है, सारे पदार्थ वस्तु सब कुछ गायब हो गया, उनका शरीर भी गायब हो गया, कुछ भी नहीं है, ना गुरु है, ना घर है, ना दीवार है, ना सूर्य चंद्र इत्यादि नक्षत्र, कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंतर्धान होते जा रहा है, विलीन होते जा रहा है, हटाया जा रहा है।
उस अनुभव में विवेकानंद जी ने चिल्लाया, अरे वो तुम क्या कर रहे हो मुझे, तुम क्या कर रहे हो मुझे। तो रामकृष्ण परमहंस हाथ हटा दिया, फिर सब कुछ वैसा का वैसा दिख गया। फिर भगवान रामकृष्ण परमहंस ने बताया उनको कि अभी इस अनुभव के लिए तुम तैयार नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। विवेकानंद जी कुछ महीने में उन्हें प्राप्त कर लिया वो अनुभव, तो डर हो जाता है क्योंकि कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं, शरीर भी नहीं है, सहारा देने वाला कोई नहीं है। अभी तक मुझसे अन्य ईश्वर को पे प्रार्थना, ईश्वर भी दिखता नहीं। तो ये शून्य असत्व आशंका, असत्व आशंकायाम, देखिए सत शब्द प्रत्यय अविषयत्वात् असत्व आशंकायाम ज्ञेयस्य सर्व प्राणि करण उपाधि ज्ञेयस्य सर्व प्राणि करण उपाधि द्वारेण तद अस्तित्व प्रतिपादयन। अभी इसका अस्तित्व का प्रतिपादन कैसे करना है, देखिए हम जैसे अभी तक मैं हमने बताया कि ब्रह्म तत्व का कोई उपाधि नहीं, निरुपाधि तत्व, निरुपाधि तत्व, इसीलिए सत बुद्धि विषय अविषयत्वात्, सत बुद्धि सत प्रत्यय अविषयत्वात्, बुद्धि का जो विषय नहीं है, सत प्रत्यय बुद्धि में सत प्रत्यय का विषय नहीं है, क्या है ये ब्रह्म तत्व, पर उसी ब्रह्म तत्व को प्रतिपादन करना है। कैसे किया जाए, इसलिए हमारी जो सफर जो है आध्यात्मिक मार्ग पर, क्या जो नोन टू अननोन कहा जाता है, नोन टू अननोन, यानी तो कह सकते हैं अननोन जो है, जो अवेद्य वस्तु, अवेद्य वस्तु का प्रतिपादन वेद्य वस्तुओं के द्वारा ही पहला किया जाता है। उपमानम, उपमा, जैसे कि किसी एक जानवर को आपने देखकर आया कहीं एक जंगलों में और कोई दूसरा देश में, जिसकी तस्वीर भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, गूगल में भी नहीं है, जिसका नाम नहीं मालूम आपका, आपको उस ऐसा रूप को, विचित्र रूप को देखकर आए हैं और किसी को समझाना चाहते हैं वैसा रूप, तो फिर क्या करोगे आप, जो अवेद्य वस्तु है और मैंने देखा मगर और किसी ने नहीं देखा और किसी को समझाना चाहते हैं, तो उसका ज्ञान जितना है और जिस जिस विषय के बारे में उसका ज्ञान है, उन्हीं वस्तुओं के, उसी वस्तुओं, उन्हीं जो आदमी जो जानते हैं उन वस्तुओं के द्वारा ज्ञान, जो ज्ञात वस्तुओं के द्वारा अज्ञात वस्तु का आप परिचय करने के लिए प्रयास करते हैं। जिसका नाक ऐसा है, उसका पैर ऐसा है, इस जानवर जैसा पैर है, जो चूहा का जो होता है पूछ, ऐसा इस तरह का पूछ है उस जानवर का, मुख तो सिंह जैसा है, तो आपके सामने एक आकृति ला रहे हैं, उस आकृति का परिचय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कुछ आपके पास कुछ ज्ञात है, ज्ञात वस्तु है जिसको जो आप जानते हैं, तो इस चीज को परिचय किया। अब ब्रह्म को कैसे करना है, तो सर्व उपाधि रहित ब्रह्म, तो फिर उपाधियों के द्वारा ही उसको संकेत करना एक प्रक्रिया है। फिर बाद में इसलिए भगवान भाष्य में आता है ऐसा विचार, तो सर्व प्राणी करण उपाधि द्वारेण, तो परमात्मा कहां पर है, सर्व प्राणी करण उपाधि, सभी प्राणियों के दो उपाधि है, उपाधि क्या है, प्राणियों की उपाधि क्या है, हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, सिर है, ये प्राणियों की उपाधि है, तो इन्हीं उपाधियों के द्वारा परमात्मा का प्रतिपादन करने जा रहे हैं। ठीक है, सर्व प्राणी करण उपाधि द्वारेण तद अस्तित्व प्रतिपादयन, उस अस्तित्व का प्रतिपादन
करने के लिए प्रतिपादयन तद आशंकानिवृत्त्यर्थम, इसके द्वारा देखो भाई हाँ वो उस तत्व को हाई के रूप में बताना मुश्किल है, मगर थोड़ा कुछ अनुमान तो लगाओ। ये बात नहीं है कि वो तत्व नहीं है, वो तो है ही है, तत्व जो है, मगर शास्त्र के तो है ही माने बुद्धि विषय नहीं है। फिर भी बुद्धि विषय नहीं है तो क्योंकि हाई के रूप में या नहीं के रूप में दिखा नहीं सकते, बुद्धि का विषय नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तत्व ही नहीं है, तत्व है, पर उस हाई जो है उसका प्रतिपादन कैसे करें, सर्व प्राण उपाधि द्वारा। ये सारे जो इंद्रिय हैं, उपाधि हैं, सभी प्राणियों की जो उपाधि है, उस उपाधि का जो भी कार्य हो रहा है उस तत्व के कारण ही हो रहा है। यदि वो तत्व नहीं है ये उपाधि भी नहीं होते, ये सब कभी कोई सबका आधार वही है। तो ये आधार के रूप में उपहित चैतन्य के रूप में उसका एक प्रतिपादन करते हैं, प्रतिपादयन तद आशंका निवृत्त्यर्थम आह। तो ये जो शंका है कि ब्रह्म तत्व वास्तव में वो शून्य हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आप ही तो कहा कि उस बुद्धि का विषय नहीं है, सत नहीं है, असत नहीं है, तो भी तत्व है, क्योंकि उस तत्व को ही अनुभव करना है। कैसे करना है, प्रत्यगात्मतया अपने ही स्वरूप के रूप में अब अनुभव करना है। तो ये बड़ा कठिन है, समझाना बहुत कठिन है, गीता के बाद मैं नहीं कह रहा हूं, इस तत्व को समझाना, इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि लोग ही इसकी जो प्रक्रिया जो निकाल के रखे हैं, उस प्रक्रिया के द्वारा ही उस तत्व के बारे में हम समझ सकते हैं, बाद में हमारा ध्यान भी बढ़िया सा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो उपाधियों द्वारा ही उस ज्ञेय के अस्तित्व का प्रतिपादन भी कर रहे हैं, उपाधियों के द्वारा ही करेंगे। देखिए इसलिए वेदांत अभी भगवान शंकराचार्य भाष्य में समझाते हैं, इसलिए आपको ये जो इंद्रिय गोचर जितने भी वस्तु है, जो कुछ भी इंद्रिय गोचर है वो मिथ्या है, मगर उस मिथ्यात्व का मिथ्यात्व के अनुभव इसलिए हो रहा है, इसके पीछे अधिष्ठान के रूप में ब्रह्म बैठा है। यदि वो ब्रह्म नहीं होते तो यह अधि मिथ्यात्व का अनुभव भी होना असंभव। अब देखिए सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः पाणिपादम माने सर्वतः पाणयः पादाः च अस्य इति सर्वतः पाणिपादम तत् ज्ञेयम्। वो ज्ञेय तत्व क्या है, उस ज्ञेय तत्व का सब और हाथ है और पैर है। माने इन सभी प्राणियों के हाथ पैर हिल रहे हैं, माने इस सब के पीछे वो ज्ञेय तत्व बैठा है। अब उदाहरण देंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। तद ज्ञेयम, वह ज्ञेय है। अच्छा माने वो हाथ वाला पैर वाला हो गया क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ,
जहाँ पे लट्टू है वहाँ पे क्या होता है, बिजली, जहाँ बल्ब है वहाँ बिजली है। आपको कैसा पता लगा, बल्ब तो जल रहा है, लाइट है उसमें, कांति का प्रसरण प्रसरण हो रहा है, तो बिजली है। अच्छा, तो बिजली लाइट है क्या? नहीं, नहीं है, बिजली लाइट नहीं है, बिजली लाइट से अतिरिक्त है। पर कांति देना किसका लक्षण है, उपाधि का लक्षण है। उपाधि का लक्षण कांति देना, तो बिजली के स्पर्श के कारण अपना स्वभाव का क्या हो रहा है, प्राकट्य हो रहा है। जलने का स्वभाव किसमें है, बल्ब में है, बिजली में नहीं है। मगर बिजली के बिना यह अपना स्वभाव का प्रकट नहीं हो सकता, प्रकट नहीं कर सकता अपना स्वभाव। तो सब जगह हाथ पैर वाला है, माने इन सभी प्राणियों के जो हाथ और पैर हिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्यों, किस लिए, वहां पर ज्ञेय तत्व अंदर है। माने ज्ञेय का पैर हाथ है क्या, ज्ञेय का पैर नहीं है ना हाथ नहीं है। अब देखिए, सर्व प्राणि करण उपाधि भी क्षेत्रज्ञास अस्तित्वम विभाव्यते। देखिए, क्षेत्रज्ञ का, ध्यान से सुनिए, क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व का प्राकट्य कैसे हो रहा है, उपाधि के कारण ही क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व का आप उसका अनुमान या भान हो रहा है। क्यों, क्षेत्र के कारण। सर्व प्राणी करण उपाधि भी, सभी प्राणियों के जो उपाधि है उन उपाधियों के द्वारा ही क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व प्रकट हो रहा है। जैसे कि सभी उपाधियों के द्वारा ही बिजली का अस्तित्व प्रकट हो रहा है। बिजली का अस्तित्व कैसे पता लगे, क्योंकि बल्ब जल रहा है, माने बिजली है। ये बल्ब नहीं जलता, माने बिजली नहीं है। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ ऐसा नाम क्यों आया, क्षेत्र के कारण ही ये क्षेत्रज्ञ बना। मगर ये क्षेत्रज्ञ है क्या, नहीं है। देखिए, देखिए, मेरे आंख है, मैं आंख के द्वारा देखता हूं, कान के द्वारा सुनता हूं। अच्छा, अब बताओ, मैं देखने वाला हूं या सुनने वाला हूं, या नहीं तो मैं नहीं, ना देखने वाला हूं ना सुनने वाला हूं, तो मैं कौन हूं? वास्तव में मैं नहीं देखने वाला हूं ना सुनने वाला हूं। ये देखने वाला कब हो गया, जब आंखों के द्वारा कुछ मैं वस्तु का रूप का ग्रहण कर रहा हूं, उस करते समय मैं दृष्टा बन गया, मगर मैं दृष्टा नहीं हूं। ये दृष्टापन एक उपाधि है, उसको कहते हैं आगंतुक धर्म, स्वभाव नहीं है, आगंतुक धर्म। माने जब तक मैं देख रहा हूं तब तक मैं दृष्टा बन गया, जब देखना बंद हुआ ये दृष्टा भी बंद हो गया, दृष्टापन बंद हो जाता है। तो दृष्टा या ना तो श्रोता, ये सब क्या है, आगंतुक धर्म। कुछ क्षण के लिए मैं दृष्टा, मैं अपने आप में दृष्टापन का आरोप किया,
उस काम व्यापार के बाद फिर अपवाद कर दिया। जब तक आप मेरे सामने बैठकर विद इन ब्रैकेट्स मैं समझता हूं ब्रैकेट क्लोज आप सुन रहे हैं ठीक है, तब तक आप श्रोता है। जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक मैं वक्ता हूं, मगर ये वक्तापन ये मुझ पर आरोप किया गया आगंतुक धर्म माने वो मेरा धर्म नहीं है, स्वभाव शाश्वत धर्म नहीं है, ये आगंतुक धर्म तो मुझ पर आरोप किया मैं वक्ता हूं, वक्ता चला गया बंद कर दिया तो वक्ता भी चला गया। जब मैं वक्तापन मुझ में कम कर बंद हो गया आप श्रोता भी नहीं बनेंगे। सो जब देखने का हो रहा है तब दृष्टा, सुनना हो रहा है तब श्रोता, चलना जब हो रहा है तब गमन करने वाला चलने वाला हूं। ये सारे मुझे धर्म आरोप किया गया, दे आर सुपर इम्पोज्ड ऑन मी, देर आगंतुक धर्म टेम्पररली ब्रॉट एंड आफ्टर द फंक्शन इज कंप्लीटेड दिस टेम्पररी धर्म इज ऑल्सो ड्रॉप्ड। बस अंग्रेज में समझाने के लिए कह रहा हूं। तो ये मैं दृष्टा कब हुआ, जब तक मैं देख रहा हूं तब तक दृष्टा बना बनता हूं और बना रहा। कब तक, जब तक मैं देख रहा कि व्यापार हो रहा है तब तक मैं बना रहा। अच्छा भैया तो ये इसी तरह है, माने देखने के व्यापार के संबंध में ही मैं दृष्टा बन गया हूं, इसी तरह क्षेत्र के संबंध में ही कोई परमात्मा ज्ञेय तत्व क्षेत्रज्ञ बन गया। जब क्षेत्र क्या है, मिथ्या, किसमें आरोप किया गया, ब्रह्म में, तो आरोपित हुआ किया गया जो क्षेत्र का अपनायन करने से भाष में आ गया आ जाएगा हटाने से, तो कौन रहेगा, क्षेत्रज्ञ नहीं, निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वह है, जो सत असद न शब्द न जो शब्द इन शब्दों से परे है वो रहेगा। तो इसीलिए भगवान समझा रहे हैं सर्व प्राणी कर्ण उपाधि भी क्षेत्रज्ञ अस्तित्व में भाव्यते। और क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व को आप कैसे पहचाना, क्योंकि सारे प्राणियों के उपाधि काम कर रही है, उपाधि के कारण क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रज्ञ के अस्तित्व का आप पहचाना अस्तित्व को, ठीक है, मगर वो क्षेत्रज्ञ इसलिए बना उपाधि के कारण। क्षेत्रज्ञ च क्षेत्र उपाधितः उच्यते, क्षेत्र के संबंध में ही उनको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अब क्षेत्र क्या है, क्षेत्र मिथ्या है। क्षेत्रम च पाणिपादादि भी अनेकदा भिन्नम, क्षेत्र अनेक है, पाणिपाद हाथ पैर मुख नाक सिर ये सब क्षेत्र है, मेरा ही क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, इसी क्षेत्र में जिस शरीर को ही क्षेत्र कहा गया उस शरीर में ही भिन्न भिन्न आकृतियां हैं, भिन्न भिन्न अंग है और भिन्न भिन्न अपने अपना काम अलग है, व्यापार अलग है। तो विभाव्यते, क्षेत्रज्ञ एक ही है अंदर, मगर क्षेत्रज्ञ नाम उस तत्व को इसीलिए दिया गया क्षेत्र के संबंध में ही, मगर क्षेत्र अनेकदा भिन्नम, क्योंकि नाक का काम कान नहीं करता, कान का काम जीभ नहीं करता, जीभ नहीं करता, वैसे एक एक अंग का अपना अपना काम है, व्यापार अलग है, धर्म अलग है। तो क्षेत्र भिन्नम विभाव्यते अनेकदा भिन्नम पाणिपादादि भी, इन सबसे अंग, तो क्षेत्र एक ही है मगर क्षेत्रज्ञ एक ही है, क्षेत्र अनेक है और क्षेत्र के संबंध में ही उस तत्व को क्षेत्रज्ञ के रूप में हम पुकार रहे हैं। तब कब तक, जब तक क्षेत्र है तब तक।
तो क्षेत्र नहीं है तो क्षेत्रज्ञ भी नहीं है। क्षेत्रज्ञ नहीं है माने क्षेत्रज्ञ है उस क्षेत्रज्ञ के रूप में नहीं है, तो फिर बस अपने आप में बैठे हैं ब्रह्म वस्तु, जिसको हम सत्य के रूप में पुकार नहीं सकते और असत के रूप में भी पुकार नहीं कर सकते। अब क्षेत्र उपाधि भेद कृतम विशेष जातम मिथ्या एव क्षेत्रज्ञस्य इति तद अपनयनेन ज्ञेयत्वम उक्तम न सत तन न असत उच्यते इति। अपने बताते थे क्षेत्र उपाधि भेद कृतम विशेष जातम मिथ्या, तो क्षेत्र की उपाधियों के भेद से क्या हुआ, ये सब कुछ को है जो भी कुछ है समस्त भेद ये सब मिथ्या है। किसमें मिथ्या है, आरोपित किया गया, किसमें आरोपित किया गया, क्षेत्रज्ञ में, तो क्षेत्रज्ञ में ये सब मिथ्या है। जैसे आकाश में, हाँ आकाश में ही आरोप किया गया, जैसे कि ये रूम स्पेस, वो बाथरूम स्पेस, टॉयलेट स्पेस, ड्राइंग रूम स्पेस, वेडिंग रूम स्पेस कहते हैं। हमारे घर में डाइनिंग रूम स्पेस कम हो गया, तो डाइनिंग रूम स्पेस कहाँ होता बताओ पहले, डाइनिंग रूम ऐसा नाम क्यों दिया, बस ये चार दीवारों के बीच में हमने ही संकल्प किया कि हम यहां बैठकर भोजन खाएंगे, तो आप ही संकल्प किया, आप ही दीवार बने, आप ही संकल्प लिया कि इसको खाना का घर बना दें, खाना गृह माने खाने वाला जो डाइनिंग हॉल भोजनालय बनाएंगे, यहाँ पे हमें भोजन करेंगे, आप ही फिर आप बोलते हैं स्पेस का, स्पेस का नाम जोड़ दिया आप डाइनिंग स्पेस करके, वहां पे कोई स्पेस में डाइनिंग स्पेस नहीं होता, ये विशेष जो जुड़ गया उपाधि के कारण। तो सारे उपाधियां मान जितने भी आकृतियां हैं स्पेस है किसमें स्थापित है, आकाश में कल्पित है, क्योंकि आकाश वास्तव में उसमें भेद कल्पन करना सृष्टि भेद की सृष्टि करना संभव नहीं है। आकाश में भेद करना माने छेदना, यानी तो आकाश को विभेद करना, आकाश को विभिन्न के रूप में आकृतियां अलग अलग करना नहीं होगा, क्योंकि आकाश एक ही है, तो आकाश में ही ये सब आकृतियां जो भी जितने आप नाम देते हैं वो सब क्या है, कल्पित है, किस लिए, उपाधि के कारण, सारे मिथ्या है। चारों दीवार नीचे ला दिया तो रूम स्पेस डाइनिंग स्पेस कहां है, कुछ भी नहीं है, सब विलीन हो गया, किसमें विलीन हो गया भी हमारी बात है, पहले से ही विलीन हुआ है, क्योंकि आकाश में भेद हुआ तब हम कह सकते हैं ना विलीन हुआ करके, ये विलीन हुआ ये बात हमारी बात है। ऐसा शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं अज्ञान के कारण, वास्तव में वहां पर कुछ नहीं हुआ, आकाश को जैसा था वैसा ही है। आप चार दीवार बनाया, कुछ नाम दिया, नामकरण दिया, चार दीवार फिर नीचे गिरा दिया, फिर आप कहते हैं कि अंदर का आकाश बहिर आकाश से एक हो गया, ये आप ही के भाषा है, आकाश में ये सब कल्पित है, उपाधि कल्पित है, उपाधि भेद के कारण जितने भी आप भाषा प्रयोग करते हैं वो भी कल्पित है, सब कुछ कल्पित है। इसीलिए क्षेत्र उपाधि भेद कृतम विशेष जातम मिथ्या एव क्षेत्रज्ञ से इति तद अपनयनेन। अब इसको हटा दिया, किसको हटाया, ये सारा क्षेत्र को, मिथ्यारूपी क्षेत्र को हटा दिया अपनयनेन, फिर क्या होता, उक्तम न सद तन असद उच्यते, फिर जो बचा है उसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते, इति ठीक है। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा, हर जगह हाथ वाला पैर वाला बता तो दिया, उपाधियों के द्वारा ही पहला उस क्षेत्रज्ञ का संकेत पहला करते हैं, तो क्षेत्रज्ञ के अस्तित्व का प्रतिपादन उपाधियों के द्वारा ही संभव है, और इस क्षेत्र के मात्र से ही उस तत्व को क्षेत्रज्ञ के रूप में हम पहला पुकारते हैं। जब क्षेत्र जो मिथ्या है, क्षेत्रज्ञ में जो कल्पित है, तो उस कल्पित क्षेत्र को हटाने पर जो बचता है उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा हम कह नहीं सकते, फिर वो क्या है, न सत उच्यते न असत उच्यते।
इसलिए सबसे पहले फिर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, उपाधि रहित ब्रह्म तत्व को यदि जानना है, पहले सबसे पहले अपने शरीर के साथ तादात्म्य छोड़ना सीखना है। अपने शरीर के साथ संबंध माने जबरदस्त जोर से एक संबंध बना के रखा है ना शरीर के साथ, उस शरीर के साथ अपना संबंध को पहले ढीला कर दो, तब आपको पता लगेगा कि शरीर ही मिथ्या है। कैसे सर? हाँ जी, कैसे इसको प्रैक्टिस कैसे करते? प्रैक्टिस करते रहना, एक ज्ञान सुन लिया ना, नो अदर नथिंग प्रैक्टिस। शास्त्र की भाषा है, गीता का उपदेश है कि मैं ये शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हो सकता हूं, तो शरीर के साथ कभी घटने वाला है कभी गिरने वाला है, ये मैं शरीर नहीं हूं, बस यही विचार करते रहो, इसको मानो स्वीकार करो। देखिए शास्त्र की बात को मानना ही बड़े साधना है, मानकर उसमें बस रहना ये साधना है। हाँ, हमारा अनुभव में अभी नहीं है, कोई बात नहीं, अनुभव में बहुत कुछ चीज नहीं है, मगर शास्त्र का प्रमाण है, गुरु का प्रमाण है। नींद में मेरा स्वरूप क्या है, न रूप है न रंग है न गुण है न क्रिया है न संबंध है। गहरे नींद में आप किसी का पति भी नहीं है, किसी का पुत्र नहीं है, किसी का पुत्री नहीं है, कोई भी नहीं है आप। नींद में क्या आप भिखारी है या धनिक है, कुछ भी नहीं है। अच्छा है बुरा है कुछ भी नहीं है। काला है सफेद है कोई भी नहीं है। बीमारी है स्वस्थ है वो भी नहीं है। और शरीर के साथ संबंध आते ही ये सारे बात आ जाती है। तो स्वामी जी क्या नींद में रहना चाहिए? नींद में नींद में रहना चाहिए। हाँ, नींद में यदि आप रह सकते हो तो रहो। अब देखो, चलो सोचो कि नींद में 24 घंटा या आजीवन पर्यंत रह सकते क्या? और आप ये सोचो कि नींद से आपको उठाने वाला कौन है? आप कई बार आप सोना चाहते हैं, लात मार के जगा देता है, कौन है? ठीक है, अगर लगता है पेशेंट को लगता है कि मुझे नींद नहीं लग रही है, नींद लगने से अच्छा लगता है, ठीक है, लगता नहीं, और कहता है कि अंदर से मुझे नींद नहीं आ रही, चैन नहीं मिल रही है, कोई जगा देता है बार बार, पता नहीं, आप उसका नाम कर मत देना भी। अब कौन आपको जगाने वाला बार बार? अच्छी बात है, सो गए तो ना भूख का प्रॉब्लम खत्म हो गया, भूखों में भी आ जाए तो कुछ पता नहीं लगता। मेरे जीवन में ऐसे ही हुआ, 4-5 बार ऐसे हुआ, नींद सो रहा था तब भूकंप आया, बाहर आने के बाद लोग पूछे कि तू अभी तक अंदर ही थे क्या? मैं अंदर ही था। हरे राम राम राम, बच गया, क्या हुआ? भूकंप आया। बोला कि अभी राम राम क्यों, नींद मर गए तो मर गया और क्या। तो आप ही अननेसेसरी टेंशन लेके सड़क पर आ गए, मेरा टेंशन भी नहीं था मुझे, अब भूकंप का अनुभव भी नहीं हुआ मेरा, जैसे कि पृथ्वी माता सुला देती है मुझे पहले, बेटा सो जाओ मैं तो कांपने जा रही हूं थोड़ा। तो इसीलिए नींद रह सकते, रह नहीं सकते, डिस्कवर करो। तो स्वप्न में मेरा स्वरूप क्या है? हर हर ब्रह्म गच्छति, नींद में स्वरूप में मैं सब कुछ उपाधियों को त्याग कर ही मैं नींद में जाऊंगा, मैं अपने आप में जाता हूं, मगर वहां रह नहीं सकता हूं। क्यों नहीं रहने पा रहा हूं? क्या मुझे खींच कर बाहर ला रहा है? और उस अवस्था में मैं अपने आप में, मैं तो सो रहा हूं, अपने आप में स्थित हूं शास्त्र के प्रमाण के द्वारा, मगर मैं अपने आप को जानता नहीं हूं, इसलिए उसको तमोगुण कहा गया। तो फिर रियलाइजेशन क्या है? वेकफुल स्लीप। अब कहते लोग, कई लोग कहते हैं हाँ अच्छा है सोने से अच्छा सो जाओ, अच्छी बात है, कुंभकर्ण तप करके मां वर मांगा 6 महीने सोने के लिए, उसको भी तब करना पड़ा बेचारा, लगातार नींद। मुकुंद मुचुकुंद भी गुफा में बैठ गए, वहां पे है मुचुकुंद गुफा है बद्रीनाथ के पास में, भगवान श्री कृष्ण दौड़ दौड़ अंदर चला गया राक्षस को उनको, और उनको जगा दिया उसको, फिर भस्म हो गया। तो
कहने का मतलब है कि इसमें कोई उपाधि नहीं है, तो कल्पित है। तो साधना के बारे में पहले अपने जो ये फॉर्म अटैचमेंट टू फॉर्म, वी शुड लर्न टू ड्रॉप इट। किसका किसके आकृति को हमने तादात्म्य छोड़ देना, अपने आकृति के साथ पहले, तो बाद में दूसरों के जो आकृतियों के प्रति भी मोह ममता धीरे धीरे चले जाती है। गुरुदेव कहते हैं इन योर लविंग एम्ब्रेस ऑफ द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स दे आर डिमिनिशिंग। आप पकड़ के रखे हैं जैसे आइसक्रीम, आप ही के हाथ में है तो भी गलते जा रहा है, मुंह में है गल रहा है, वो अनुभव अंत हो जाएगा। तो इसीलिए तो क्षेत्र उपाधि भेद कृतम विशेष जातम मिथ्या एव क्षेत्रज्ञस्य इति तदपनयनेन ज्ञेयत्व मुक्तम। तो उसको हटाने के बाद ज्ञेयत्व का प्रतिपादन किया, कैसे किया, उस ज्ञेय को ज्ञेय कह दिया। ज्ञेय माने जो जानना है, जानना है वो है इसलिए जानना है, यदि नहीं है तो ज्ञेय कैसे बना। बुद्धि विषय नहीं है मगर तो है, तत्व तो है ही। तो उस तत्व को न सतरूपे न सतरूपेण, इन शब्दों से उसका हम संबोधन कर नहीं सकते, संबोधन या पुकार नहीं सकते, नामकरण नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते ये सत है या ही भी नहीं कह सकते हैं, नहीं है ऐसा भी हम कह नहीं सकते। उपाधि कृतम मिथ्या रूपम अपि अस्तित्व अधिगमाय ज्ञेय धर्मवत परिकल्प्य उच्यते सर्वतः पाणिपादम इत्यादि। अब देखिए उपाधि कृतम मिथ्या रूपम अपि, ऐसा उपाधि कृतम सर्वतः पाणिपादम तत्, ऐसा उपाधिकृत है मिथ्या है तो भी क्या हुआ, अस्तित्व अधिगमाया, उस मिथ्या के द्वारा ही ज्ञेय तत्व का जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को पहचानने के लिए ये उपाधि काम आया। जैसा कि ये लाइट जल रहा है इसीलिए बिजली का अस्तित्व का हम पहचाना, तो बिजली है या नहीं इसको पहचानने के लिए उपाधि चाहिए। बल्ब जल रहा है तो समझ में आ गया बिजली है। यदि देखिए अब दोपहर को आप यदि चाहते हैं कि बिजली है या नहीं कैसे जाने, तो जरा लाइट ऑन करके देखो तो जल रहा है, हाँ हाँ है। खास करके एक लाइट रखा जिसका इन्वर्टर के साथ कोई संबंध नहीं है, वो बिजली से साथ ही चलता है, हर घर पे होता है, गीजर हो एसी हो, एसी आ गया तो आ गया बस, चलो बिजली आ गई क्योंकि इन्वर्टर पे एसी नहीं चलता, ये तो इसका संकेत हो गया कि नहीं। तो वो हम उपाधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। अरे आदमी जिंदा है कैसे पता चला, कैसे पता चला, जरा आके पूछो उनसे, अब मर गए क्या, अरे थप्पड़ देगा तब वो तो जिंदा है, और क्या चाहिए आपका प्रमाण। बिना उपाधि के फिर तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, सर्वमावृत्य तिष्ठते बाद में आएगा है, बिना उपाधि क्या तत्व ज्ञान हो सकता है, कैसे हो सकता है, पहले इसलिए आगे आएगा कि वेदांत में वो क्या बोलते हैं, आरोप और अपवाद, अध्यारोप अपवाद दोनों करना है, अध्यारोप करो समझो फिर तुरंत अध्यारोपित वस्तु को त्यागना है, तो इसलिए अध्यारोप करो समय आगे बात फिर हटा दो। अध्यारोपित वस्तु को ज्यादा फिर ज्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं 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 समझ में आगे आगे फिर हटा दो। जैसे उंगली दिखाता हूं मैं आपको, उंगली के द्वारा चंद्रमा को दिखा रहा हूं, तो पहला फिर उंगली देखो, हाथ देखो, पहले मुझको देखो, फिर हाथ देखो, फिर उंगली में आ जाओ, ये उंगली देखो तर्जनी, देखो देख लिया, हाँ
चलो तुम्हारा नजर घुमाओ, कैसे साथ साथ चलो, उंगली के ऊपर घुमाओ, लेके जाओ, लेके गया और उसी दिशा में देखो, देख लिया फिर हटा देना, उंगली को देखना नहीं बाद में, चंद्रमा को देखने के बाद तुरंत हटा देना है। इंडिकेटर एंड द इंडिकेटेड, द इंडिकेटेड हैविंग एक्सपीरियंस्ड सीन इंडिकेटेड, देयर इज नो यूज फॉर इंडिकेटर। इंडिकेटर को तुरंत हटा दो, न तो किसी का इंडिकेटर के साथ प्रेम हो जाएगा। वो लकड़ी बड़ी अच्छी है, आप कहां से ले आया, हमारे लिए भी एक बनवा दीजिएगा। आगे आएंगे तो पहले ज्ञेय धर्मत्वत परिकल्पिया, परिकल्पिया एक ज्ञेय धर्म, जैसे ज्ञेय धर्म के रूप में परिकल्प किया गया, मैंने कल्पना किया, मैंने क्या है एक ज्ञेय धर्म हो गया, मैंने हाथ पैर किसका धर्म है, ज्ञेय धर्म, जैसा ज्ञेय धर्म जब परिकल्पिया ऐसा कल्पना करके, कल्पना किया है हाथ वाला पैर वाला, जैसे कि बिजली जल रहा है, यह बिजली जलता नहीं वास्तव में, और बिजली के कारण एक उपाधि का धर्म का प्रकटन हो रहा है वहां पे, तो परिकल्पया ज्ञेय धर्मोत परिकल्पया, ये ज्ञेय धर्म ही है, वर्त प्रत्यय, जैसा ज्ञेय धर्म जैसा परिकल्पया कल्पना करके, उच्चते सर्वपाणिपादम इत्यादि, ऐसा परिकल्पना करके उस तत्व का बारे में बताया कि सर्व सर्वतः पाणिपाद, उस सब जगह हाथ वाला, सब जगह पैर वाला, ऐसा कहा गया परिकल्पना करके, कल्पना करके, वास्तव में नहीं है। देखिए रसोई में किसी का आप एक वहां पे देवदत्त है, देवदत्त को जानना है तो बोले कि अंदर रसोई घर में जाओ, देवदत्त से मिलो। भैया देवदत्त कौन होता है रसोई घर में, वहां पे पांच छह लोग होते होंगे, उसमें देवदत्त को कैसा पहचाने। तो बोला कि जो रसोईया है वही देवदत्त है, मैं जो खाना बनाने वाला। अच्छा, जो खाना बनाने वाला देवदत्त है, तो खाना बनाने वाला देवदत्त है, ये बात नहीं है कि देवदत्त हमेशा खाना बनाते रहते हैं। नहीं, हमेशा नहीं बनाते हैं खाना, वो इस समय वो काम अंदर कर रहा है, इसलिए मैं आपको आगंतुक धर्म के द्वारा उस व्यक्ति का परिचय मैं करवा रहा हूं। कैसे करा रहा हूं, क्योंकि इस वक्त देवदत्त रसोई घर पे घर में है और उसमें वहां पे खाना बना रहा है, इसीलिए मैं उनको आपको मैंने बता दिया कि रसोई घर में जाओ, जो खाना बनाने वाला है वही देवदत्त है, रसोईया जो ही है, जो भी है वही देवदत्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि देवदत्त के हाथ में हमेशा एक बड़ा लंबा सा एक कच्ची और घुमाते रहता है कुछ पाना था, नहीं 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 नहीं, वो नहीं। फिर इस वक्त आप ऐसा परिचय क्यों दिया, क्योंकि इस वक्त वो काम कर रहा है। तो आपको समझाने के लिए देवदत्त कौन है, रसोईया है। अच्छा, आप अंदर गया तो रसोईया का धर्म आगंतुक धर्म है, देवदत्त को देखने पहचानने के बाद वो रसोईया है ये ज्ञान आवश्यक नहीं है, वो उतार दिया, छोड़ दिया आपने, फिर असली बात पर पहुंच गए, देवदत्त मैं तुमसे मिलने आया हूं करके, जब बाकी जो व्यापार है वो चलाएगा। तो सिर्फ पहचानने के लिए ये काम आया, पहचानने के बाद वो धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, उपयोग नहीं है, त्याग दिया उसको, तो अपनयनम। तो इसीलिए तो सर्वतः पाणिपादम तत्व, वो हर जगह पैर वाला है, माने जहां जहां पैर हाथ घूम रहा है जानो कि वहां परमात्मा है, परमात्मा का प्राकटन हो रहा है, प्राकट्य हो रहा है। अच्छा,
आपको भी फिर लगेगा कि अच्छा जहां जहां उपाधि है वहीं परमात्मा है और जहां उपाधि नहीं है वहां परमात्मा नहीं है। इसीलिए ये शंका का भी भगवान निवृत्त कर देते, कैसे सर्वम आवृत्य तिष्ठति, बाद में कहेंगे इसी श्लोक में। भैया मैं उपाधि जहां जहां उपाधि है, माने यहां पे बिजली है बल्ब जल रहा है, उस बल्ब में बिजली है बल्ब जल रहा है, माने इस बीच में तार है वहां बिजली नहीं है, हाथ लगा के देखो बिजली हर व्यापक है, शक्ति के रूप में सर्वव्यापक है, तो भी जहां उपाधि है वहां उसका प्राकट्य है, आप अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति उसकी अभिव्यक्ति जहां है माने वहां है जहां बिजली है, माने बिजली हर जगह है और जहां उपाधि है वहां उसकी अभिव्यक्ति है। तो जहां जहां हाथ है वो हाथ का जो स्वभाव है उसका प्रकट होता है, माने काम का घूमना जो भी काम करना, जहां जहां पैर है वहां एक लक्षण दिखाई देता, क्या चलने का लक्षण, चल सकते हैं, तो चलने के जो शक्ति अंतर्गत शक्ति पैर में है, हालांकि उस समय कोई चलता नहीं होगा, चलता नहीं हो बैठा हुआ हो ठीक है, मगर पैर है मतलब चल सकता है। तो ये सारे जो धर्म आगंतुक है, सर्वथ पाणिपादम तत् तथा ही संप्रदाय विदाम वचनम, इसीलिए संप्रदाय विद जो भी है महात्मा लोग वे कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, पहला अध्यारोप और बाद में अपवाद के द्वारा निष्प्रपंचम प्रपंचते। निष्प्रपंचम माने जो प्रपंच रहित परमात्मा का जो तत्व है उस तत्व को पहचानने में ये तरीका है, क्या है, अध्यारोप और अपवाद। कुछ अध्यारोप करो फिर उसको हटा दो, अपवाद कर दो, तत्व को जान लिया। तत्व को पहचानने के लिए कुछ को कोई चाहिए, बाद में उपाधि कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सर्वत्र सर्व देह अवयवत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयोः ज्ञेय शक्ति सद्भाव सद्भाव निमित्त स्वकार्या इति ज्ञेय सद्भावे लिंगानि ज्ञेयस्य इति उपचारतः उच्यन्ते तथा व्याख्येयम् अन्यत् सर्वतः पाणिपादं तत् ज्ञेयम् सर्वतः अक्षिः शिशिरो शिरोमुखम् सर्वत्र अक्षिणे शिरांसि मुखानि च यस्य तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमत् श्रुतिः श्रवणेन्द्रियम् तद् यस्य तत् श्रुतिमत् लोके प्राणनिकाये सर्वम् आवृत्य संव्याप्य तिष्ठति स्थितिम् लभते। इसका व्याख्यान हम कल देखेंगे, बस सिंपल है। तो इसलिए तथा ही संप्रदाय विदाम वचनम अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, निष्प्रपंचम प्रपंचते, उसका प्रपंच निष्प्रपंच है परमात्मा का तत्व, उसमें कोई प्रपंच नहीं है, माने ये पंचमहाभूत प्रकृति कुछ भी नहीं है, वहां पर निर्गुणम निष्कलम शांतम शिवम अद्वैतम। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।